दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने तो इसको जो सुना है और जो माना है वो माता के रूप में माना है, और धर्म के आधार पर इस गाय का विश्लेषण समाज में बहुत कुछ है। दुनिया के लोग कहते हैं इसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं, ये पूजनीय है, ये ऐसी है वैसी है। ये अब हमको छोड़ना पड़ेगा, ये तो जो चल रहा है समाज में वो तो जो है उसके जीन्स में पूरा विराजमान है, उसके ब्लड में पूरा विराजमान है। अभी जो है बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के समय जब गाय के सामने उसको ले जाया जाता है, जब वो बोलता है, प्रश्न करता है कि ये क्या है, तो हमारे परिवार के लोग, बड़े बूढ़े लोग उसको कहते हैं कि ये गौ माता है। लेकिन आज जो है समाज के सामने एक चुनौती है, और वो चुनौती है गाय को वैज्ञानिक आधार पर समाज में उपयोगी सिद्ध करना। जब तक गाय वैज्ञानिक आधार इसके क्या है, इसका दूध क्यों उपयोगी है, इसका पंचगव्य क्यों उपयोगी है, ये रिसर्च इस समय आपके देश में ही नहीं विश्व के कई देश जो है रिसर्च कर रहे हैं और आगे बढ़ गए। अभी एक चीज समझना भी यहां आवश्यक मानता हूं कि गाय की जब हम बात करते हैं तो कौन सी गाय की करते हैं, क्योंकि एक ऐसा अपने बीच ऐसा पशु लाया गया कि उसको भी लोग, समाज के लोग गाय मानने लगे। यहां तक कि कई घरों में हमने देखा कि वो गाय पूजी जाती है, उसका ही अब तिलक वंदन सब करने लगे, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो देसी गाय जो भारतीय गाय है वो अपनी अलग है, और जो विदेशी गाय आई है विदेशी गाय में वो भारतीय गाय में अंतर क्या है। एक तो हमारी देसी गाय की आंत 180 फीट लंबी होती है, जो संसार में किसी प्राणी की नहीं है, और जितना गाय जर्सी है, होलिस्टन है, फ्रीजियन है, इनकी आंत 90 फीट होती है। दूसरा, इनके ककूद नहीं होता है, गलकंबल नहीं होती है विदेशी गाय के, हमारी गाय के ककूद होता है, कंधा जैसे सून नाड़ी कहते हैं, और यही उसको एक विशेष बनाती है। और ये तीन प्राणियों से जो विदेशी गाय है वो एक तो सुमर, एक या और एक यूरोपियन पशु है यूरास, इन तीन के सम्मिश्रण से ये सारी विदेशी गाय बनी है। जो विदेशी गाय है वो देखने में तो ये लगता है कि ये दूध समान है, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में सब प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है कि अभी डेनमार्क और कई देशों में दूध का परीक्षण करवाया गया कुछ गत वर्षों पहले, तो उसमें जो अपनी विदेशी गाय के दूध में एक PCM 7 करके जहर पाया जाता है। अब चूंकि जहरीला दूध ना हो, अगर आप किसी बच्चे को 18-20 साल जर्सी होलिस्टन फ्रीजियन जो विदेशी गाय है उसका दूध अगर पिला देते हैं तो दो बीमारियों से कोई ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएगा, एक तो जो है कैंसर और दूसरा नपुंसकता। तो हम देख रहे हैं कि समाज में ये दोनों चीजें बहुत गलत पैमाने पर बढ़ती जा रही है। अब विदेशी गाय जो PCM 7 करके जहर पाया गया तो खोज प्रारंभ हुई कि कहीं जिसमें ये जहर ना हो ऐसी गाय के दूध का परीक्षण किए जाए। तो आपकी जो गाय है भारतीय गाय उसका दूध का परीक्षण करवाया गया तो इसको मिल्क टू बन, विदेशी गाय का दूध मिल्क बन और अपनी गाय का दूध मिल्क टू कहा गया। ये अभी आप मार्केट में जाएंगे और मार्केट में आप लोग जो है वो पाउडर वाला दूध आता है घोल के,
आप उसका अंतर देखेंगे कि वहां जाने के बाद आप उससे कहना, अभी कई दुकानदार भी नहीं जानते हैं कि मिल्क वन मिल्क टू है क्या। मिल्क टू अपनी गाय का पाउडर है, मिल्क वन जो है विदेशी गाय का पाउडर है। जब हम जाते हैं तो लेने में दुकानदार बताता है कि ये 100 रुपया का है और ये 300 रुपए का है। अब 300 रुपए सुन करके यानी भाई पाउडर है, हमें खिलाना पाउडर है तो हम 100 रुपए वाला खिलाएं। लेकिन वो अंतर समाज में नहीं जानता व्यक्ति, माताएं बहनें नहीं जानती, क्योंकि वो महंगा इसीलिए है कि वो आप अमृत खरीद रहे हैं और ये जहर खरीद रहे हैं। दूसरा, देसी गाय पर अभी एक रिसर्च हुआ है अमेरिका में और उसमें एक कैंसर इंस्टीट्यूट है उसने रिसर्च करवाया तो जो विदेशी गाय है उसके प्रजनन अंगों में 33% कैंसर के कीटाणु जन्म से ही आते। अगर बछिया ने जन्म लिया है फिर भी उसके कैंसर के कीटाणु पाए जाए और 3.3% के रेशियो से प्रतिवर्ष बढ़ते रहते हैं। अब आप सोचिए एक बछड़ी अगर 1 साल की हो गई तो उसमें 33.3% जो है कैंसर के कीटाणु हो गए। इसलिए ये गाय जिसको विदेशी गाय कहते हैं ये हमारे लिए है ही नहीं। इससे अच्छा ये है कि आप अपने घर में 1 गिलास पानी पी करके बच्चों को सुला दें तो ज्यादा फायदा कर जाएगा अपेक्षा करके ये जहर दे दें। अपनी अभी कृषि अनुसंधान केंद्र अमेरिका का है उसने जो है, मैं नहीं बोल रहा हूं, अमेरिका जो दूसरे देश रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने अभी घोषित किया है कुछ वर्षों पहले 2001 में कि ये जो भारतीय गाय है ये चलता फिरता औषधालय है। अभी आप कोई भी बीमारी ले लीजिए अगर घर में आप जो है देसी गाय का दूध ही उपयोग करते हैं तो आपको जो है आधी बीमारियों से तो ज्यादा आपको जो है पकड़ नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी बीमारी ने हमको पकड़ लिया तो देसी गाय के पंचगव्य में सारे प्रकार का तत्व है जो आपकी हर बीमारी को ठीक कर देगा।